हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं जो सिंगुलरिटी है उसके अंदर जो पोल होता है, दैट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का पार्ट होता है पोल, वो क्या होता है, कैसे हम यहाँ पता करते हैं कि पोल कितने ऑर्डर का है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पर इससे पहले मैं जो सिंगुलरिटी पे आपके सामने जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ तो वो आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना आए। और मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे भी काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, देन उसके बाद कोचीज थ्योरम है, कोची इंटीग्रल थ्योरम है, रेसिड्यूज है, लॉरेंट सीरीज है, तो वो भी आप एक बार आईटी पे जाके देख सकते हैं। सोचिए देखिए, यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी, ये बता चुका हूँ मैं पर हल्का सा आइडिया देने के लिए कि सिंगुलरिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, वन इज आइसोलेटेड, सेकंड वन इज नॉन आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड का यहाँ पे मैंने बता दिया तीन पार्ट होते हैं, वन इज रिमूवल, सेकंड वन इज पोल एंड थर्ड वन इज असेंशियल सिंगुलरिटी। और रिमूवल सिंगुलरिटी में पढ़ा चुका हूँ जो कि आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। तो सुन, आज हम डिस्कस करेंगे पोल के बारे में कि पोल क्या होता है और कैसे हम यहाँ पर पता करेंगे पोल के बारे में, राइट। सो देखिए सुन, यहाँ पे पोल होता क्या है, तो जब भी हम लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करते हैं तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो वहां पे क्या होता है, पोल एग्जिस्ट करता है। यही चीज मैंने यहाँ पे बोला है, लेट एफ जेड बी द फंक्शन एंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन अबाउट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो कंटेन फाइनाइट टर्म एंड देन जेड इज इक्वल टू जेड जीरो इज पोल ऑफ एफ जेड, एनी प्रिंसिपल पार्ट कंटेन एम टर्म्स देन एम इज ऑर्डर ऑफ अ पोल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, क्या कहते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, राइट। तो ये हम खोलेंगे इसको तो ये आएगा जेड क्यूब, ये आएगा हमारे पास जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ये हमारे पास साइन जेड की सीरीज होती है। देन जेड क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड से कैंसिल हो जाएगा, माइनस को कैंसिल करेंगे तो वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस ये आएगा वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास यहाँ टर्म आएगी। तो ये जो हमारे सॉरी ऊपर जेड स्क्वायर आएगा, है ना, ऊपर जेड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये जेड स्क्वायर ऊपर आएगा, देन अगली टर्म हमारे पे ऊपर जेड आएगा। तो सुनिए, जो ये प्रिंसिपल पार्ट है इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जहां पर जेड इज इक्वल टू जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे जो पोल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और पोल कितने ऑर्डर का होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर को हम जीरो पुट करेंगे, राइट, है ना, तो जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो होगा, यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर टू होगा, क्लियर है, क्लियर। अगर बाई चांस वन बाय जेड होता है ना तो हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर वन होता, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये आपको मैंने समझाया। अब यहाँ पे ट्रिक है कैसे हम यहाँ पता करेंगे पोल के बारे में, है ना, अपॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो इज कॉल्ड पोल ऑफ एफ जेड इफ एंड ऑनली इफ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाए, इनफाइनाइट, मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन पे हम वो पॉइंट अप्लाई करते हैं, लिमिट रखते हैं, तो वो इनफाइनाइट हो जाए, एंड इफ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो पावर एंड एफ जेड इज इक्वल टू फाइनाइट देन एन इज ऑर्डर ऑफ अ पोल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ कि वन अपॉन जेड स्क्वायर, राइट, है ना, मैंने आपको बोला कि जेड इज इक्वल टू जीरो इसका क्या होगा, और जीरो होगा, आई मीन सॉरी पोल होगा, बिकॉज ये इन्फाइनाइट हो रहा, मतलब ये होगा कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। पर स्टूडेंट जब हम मतलब जीरो इसका मतलब जेड जीरो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा, राइट, है ना, तो लिमिट अब हम क्या करते हैं, जेड टेंस टू जेड जीरो, है ना, जेड जीरो मतलब यहाँ जीरो है, जेड जीरो जीरो, राइट, है ना, जेड जीरो हमारे पास कितना है, जीरो है ना, ये आएगा जेड माइनस जीरो का स्क्वायर इंटू एफ जेड करें, राइट, है ना, इंटू ये हमारे पास एफ जेड है ना, तो हम जानते हैं ये से ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू वन आ रही, मतलब फाइनाइट आ रहा, तो ये जो पावर होगी इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पोल होगा। यही समझाने की कोशिश करी कि जेड माइनस जेड जीरो पावर एन एफ जेड को करने पर अगर ये फाइनाइट आता है तो ये जो पावर एन होती है इसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पोल होता है। यही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड वन अपॉन ई की पावर जेड माइनस वन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको ये पता लगाना है यहाँ पे कि इसका ऑर्डर क्या होगा पोल का, राइट, या पोल क्या होगा। तो वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन ई की पावर जेड माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, देन हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे, ये वैसे जेड इज इक्वल जीरो रखने पर ये इनफाइनाइट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है ना, क्योंकि जीरो की पावर जीरो वन हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो होगा, मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो एक बार इसका पोल है कि नहीं चेक करते, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट लिमिट जेड टेंस टू जीरो लगाएंगे, देन यहाँ जेड माइनस जीरो, है ना, एक बार पावर वन करते हैं, वन अपॉन ई की पावर जेड माइनस वन करते हैं, हम देख रहे हैं अब ये जीरो बाय जीरो हो रहा है, हम डी एल हॉस्पिटल लगाते हैं और डी एल हॉस्पिटल हमारे पास क्या था, ऊपर का डेरिवेटिव वन और नीचे का ई की पावर जेड का डेरिवेटिव ई की पावर जेड और वन का, तो जीरो हो जाएगा। अब ई की पावर जीरो की जगह वन रखेंगे तो फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो का जो ऑर्डर होगा पोल का वो वन होगा, है ना, मतलब यहाँ पे ऑर्डर जो होगा पोल का वो क्या होगा, वन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट,
जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 देन द ऑर्डर ऑफ पोल ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 1 s, तो हम यहां पे कैसे पता करेंगे z इज इक्वल टू, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीचे वाले का फैक्टर कर दीजिए आप, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन z माइनस 1 इनटू z माइनस 2 आएगा, और हम इसके डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हैं, राइट है ना, तो हमारे पास यहां पे पोल निकलता है, अगर न्यूमरेटर को जीरो पुट करते जीरोस निकलता, डिनोमिनेटर को रखते हैं तो पोल निकलता है, राइट, तो z इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ रहा है और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहे हैं हमारे पास, तो z इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या होगा, सिंपल पोल होगा, है ना, ऑर्डर 1 का होगा, है ना, सिंपल पोल मतलब एक ही बार आ रहा है, अगर यहां पे होल स्क्वायर हो जाता तो ये 2 ऑर्डर का पोल हो जाता है, राइट, अगर क्यूब होता तो 3 ऑर्डर का पोल हो जाता, राइट, तो हमारे पास जो ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द पोल क्या होगा, तो सुन हमारे पास 1 ऑर्डर का पोल होगा, अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर आप करके बताइए तो हम कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे लिमिट क्या करेंगे z टेंड्स टू 1 और यहां पे आएगा z माइनस 1 इनटू fz, हमारे पास क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, अगर ये फाइनाइट आ जाता है ना, तो इसकी जो पावर होती है उसका ऑर्डर ऑफ पोल हो जाता है, राइट, तो हम देख रहे हैं 1 रखने पर 0 बाय 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें लिमिट z टेंड्स टू 1, हम इसका ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, नीचे का डेरिवेटिव करेंगे तो 2z माइनस 3, अब z की जगह 1 रख रहे हैं तो इसलिए माइनस 1 आ रहा है हमारे पास विच इज फाइनाइट, मतलब ये हमारे पास क्या होगा ऑर्डर ऑफ 1 होगा इसका पोल का, राइट, तो इस तरह से यहां पे इसको हम पता करते हैं, क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 हैज पोल, तो इसमें हम डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं, राइट, क्या करते हैं इसमें यहां पे डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं, तो z स्क्वायर प्लस 1 को 0 पुट कर दीजिए तो आपके पास z की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस आयोटा आएगी, तो इसमें यहां पे दो पोल होंगे दैट इज प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये हमारे पास यहां पे क्या होगा ऑर्डर का पोल होगा, राइट, नेक्स्ट की बात करते हैं हमारे पास tan z की बात करी जा रही है ना, तो tan z हमारे पास क्या होता है इसकी बात करेंगे यहां पे, तो हमारे पास ये आएगा sin z अपॉन cos z, और जब भी हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास पोल आता है, cos z को 0 पुट करेंगे तो cos किस पे 0 होता है 2n plus 1 pi by 2 पे 0 होता है, राइट है ना, तो हमारे पास यहां पे z की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2n plus 1 pi by 2, मतलब हमारे पास यहां पे जो पोल होंगे वो क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे एंड ऑल पोल लाइज ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि यहां पे आयोटा नहीं आ रहा है रियल एक्सिस आ रही, राइट, सो हमारे पास ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसी टाइप से जब इसकी बात करेंगे यहां पे cos x by 2 upon sin x, तो यहां पे हम लिखेंगे इसको है ना कैसे लिखेंगे cos x by 2 और ये sin x इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 हो जाएगा एंड cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1 upon sin x by 2 और इसमें इसको हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसमें sin x by 2 is equal to 0, हम जानते हैं इसकी कब 0 होता है sin n pi पे 0 होता है, तो इसका मतलब x by 2 is equal to हमारे पास होगा n pi, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी 2n pi, मतलब इवन होना चाहिए यहां पे इवन का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमारे पास जो इवन का मल्टीपल b में आ रहा है ये सही होगा, पर शून्य यहां पे ऑड का मल्टीपल सही नहीं है और यहां पे n है तो यहां n इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं होगा, सो हमारे पास ये आंसर क्या होगा करेक्ट होगा, राइट, सो इस तरह से यहां पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो शून्य यहां पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी हम यहां पे सिंगुलरिटी में पोल्स कैसे निकालते हैं उसका ऑर्डर कैसे पता करते हैं ये मैंने आपको सिखाया लास्ट में मेरे जो वीडियोस है आप देख सकते हैं, इसमें ये मेरे पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं पूरा आपको कंटेंट दे रहा हूं जिसमें सिंगुलरिटी एनालिटिक फंक्शन कोची रेसिड्यू थ्योरम है ना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सब है, और ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है जिस पे मैं अभी नए वाले चैनल पे काफी सारी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप देख सकते हैं, ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल जिसको आप देख सकते हैं और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर मैं हर मैथ्स के वीडियोस अपलोड करता हूं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।